Welcome dear student, in this video lecture we discuss the charge of rule. The Irwin charge of proposed two rules which are termed as charge of rule. जो Irwin charge of ने दो rule propose किए उन दोनों rules को हम क्या कहते हैं, charge of rule. And these rule played important role of discovery of the double helix structure of the DNA. ठीक है, और ये rule है ये important role play करते हैं कि जो डिस्कवरी हुई कि डीएनए का जो स्टैंड है वो कैसा हमारा डबल हेलिक्स स्टैंड होता है. तो जो चार्ज ऑफ रूल फर्स्ट रूल है वो सेज इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ द ग्वाइनिन यूनिट्स इक्वल द नंबर ऑफ द साइटोसिन यूनिट. जो ग्वाइनिन है उसका जो नंबर है उस इक्वल होते हैं साइटोसिन्स के. एंड द नंबर ऑफ द एडिनिन यूनिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ द थायमिन यूनिट्स. जो एडिनिन के नंबर है वो किसके इक्वल होंगे, हमारे थाइमिन के इक्वल होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट रूल सेज दैट जी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू टी. एंड द सेकंड रूल सेज दैट द कंपोजिशन ऑफ द डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज. ठीक है, ये नहीं है कि जो डीएनए की कंपोजिशन है एक स्पीशीज के अंदर ए और टी का रेशो मान लो 40% है तो सभी स्पीशीज के अंदर ये 40% होगा. ये स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करता है, वेरी करता है. और इन्हीं दोनों रूल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ रूल. और ये चार्ज ऑफ रूल प्रपोज किया था हमारा अरविन चार्ज ऑफ ने. और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हमारी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ठीक है, हैंस इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वी कैन कंक्लूड आफ्टर प्रपोजिंग ऑफ द चार्ज ऑफ रूल द मोलर रेशो ऑफ द ए एंड टी इज इक्वल टू वन. कि जो ए और जो टी का रेशो होता है वो कितना होता है हमारा वन के इक्वल होता है. एंड जी और सी का जो रेशो है वो कितना है हमारा वन के इक्वल है. ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं कि ए प्लस जी जो हमारी प्यूरिन है उसका जो रेशो इज इक्वल टू है हमारा किसके, सी प्लस में टी के. ठीक है, एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है सी प्लस में जी डज नॉट इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ द ए प्लस में टी. ठीक है, आपका ए ओ टी वन के इक्वल होगा, मीन्स ए ओ टी आपका इक्वल होगा, जी और सी इक्वल होगा, आपके जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन्स के इक्वल होंगे. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सी प्लस में जी एंड ए इज इक्वल टू टी आपके ये भी इक्वल होंगे. ठीक है, आपके एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हो. आप कोई भी न्यूक्लियोटाइड की डबल स्टैंड बनाना, कोई भी एक स्टैंड लेना, जैसे मैंने 10 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स लिए हमने, जिसके अंदर आप कोई भी ले सकते हो रैंडम. ठीक है, तो इनके अंदर आपको चेक करना है और उसको अल्टरनेट बेस पेयरिंग कराना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराना. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ए के जो नंबर है वो कितने हैं हमारे, टी के नंबर कितने हैं, जी के नंबर कितने हैं एंड सी के नंबर कितने हैं. ठीक है, जैसे इसके अंदर ए कितने हमारे, एक दो तीन चार पाँच छः. एडिनिन कितने है इसके अंदर, सिक्स नंबर है. ठीक है, अगर हम थायमिन देखना चाहें तो इसके अंदर थायमिन कितने हमारी, एक दो तीन चार पाँच छः. ठीक है, तो थायमिन कितने हमारे, सिक्स है. और अगर हम ग्वाइनिन देखना चाहें तो इसमें ग्वाइनिन कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, फोर हमारी क्या है, ग्वाइनिन है. और हम साइटोसिन देखना चाहें तो इसमें साइटोसिन कितनी है, वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, फोर क्या है हमारी, साइटोसिन्स प्रजेंट है. ठीक है, तो अब हम इसको चार्ज ऑफ रूल से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू चार्ज ऑफ रूल आपका जो ए था वो किसके इक्वल था हमारा, टी का इक्वल था. ठीक है, तो हम इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आप कोई भी डीएनए लिया है, जैसे मैंने 10 न्यूक्लियोटाइड का एक बेस पे डबल हेलिक्स बनाया है, आप 7 का बना सकते हैं, 11 का बना सकते हैं, 12 का बना सकते हो. इसमें आप देखो ए इजिकल टू टी, जितने आपके ए थे उतने ही आपके क्या है, टी है. ठीक है, और जितने आपके जी थे उतने आपके क्या सी है. तो इसका जो फर्स्ट रूल क्या सेज कर रहा था कि आपके जो एडिनिन का जो रेशो है यूनिट है वो इक्वल होती है थायमिन के, एंड जो ग्वाइनिन है वो इक्वल होता है किसके, साइटोसिन के. ठीक है, एंड सेकंड सेज कि जो आपकी जो प्यूरिन है वो किसके इक्वल है हमारे, पिरामिडिन्स के इक्वल थी. तो प्यूरिन्स कौन कौन से हमारी, ए प्लस में जी, ए कितने आपके, सिक्स है, एंड जी कितने आपके, फोर है. ठीक है, और प्यूरिन किसके इक्वल थे हमारी, पिरामिडिन. पिरामिड कौन से हमारे, सी प्लस में
टी, सी के नंबर कितने हमारे 4 है एंड टी के नंबर कितने हमारे 6 है। अगर दोनों तरफ हम देखें प्यूरिन और प्रियामिडिन को, इट ऑल्सो इक्वल, डैट कैन सो दीज डी एन ए स्टैंड इज डबल हेलिक्स एंड ओबे दी चार्ज ऑफ रूल। थैंक यू।